नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिन एक बहुत बड़ा सच्चाई निकलकर सबके सामने आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों का करतूत अब सबके सामने आएगा, क्योंकि दोस्तों सच्चाई को कितना भी छुपा लो लेकिन वह एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, और किए की सजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। बहुत हो गया, अब और नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर पर आधारित है, और यह ग्रह गोचर आने वाले अगले 7 दिन आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके बिजनेस व्यापार के लिए, आपके नौकरी के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, तो वहीं आपके पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा यह 7 दिन। आपको कौन सी सावधानियों का विशेष पालन करनी होगी और कौन सी बातों का विशेष ध्यान में रखनी होगी, और किस तरह से प्लान करके चले ताकि आने वाले अगले 7 दिन आपका अच्छे से व्यतीत हो और आप अपने कैरियर में लगातार आगे बढ़ते रहें और उन ऊंचाइयों को छू सकें जिसकी आप लंबे समय से सपना देखते आ रहे हैं, उसके लिए वीडियो के अंत में हम एक बहुत ही जरूरी उपाय दिए हैं, जिन्हें मात्र करने से ही आपको अपने जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत खास है, अतः आप सभी के फायदे के लिए बनाई गई है, इसलिए थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले, अगर आप बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिएगा, कालों के काल जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से आपके जीवन में नहीं रहेंगे कोई दुख और जंजाल। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं एक बहुत ही बड़े सुंदर अनमोल विचार से। देखिए दोस्तों, इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है लेकिन फल भोगने में नहीं। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान, यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं, ईश्वर को या इंसान को। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आने वाले अगले 7 दिन कैसी रहेंगे। तुला राशि वालों, दोस्तों आने वाले अगले 7 दिन आपको जरा सावधान रहना होगा। सितारे कहती हैं आपके साथ धोखाधड़ी होने की आशंकाएं बन रही है, इसलिए भावनाओं में बहकर आप अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी के साथ शेयर ना करें और बातचीत करते समय सावधानी बरतें। कोई बात विवाद की स्थिति बन सकती है और किसी की बातों में अभी आप ना आए। भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं जो कि आगे चलकर आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, और कार्यक्षेत्र में अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। पिछले कुछ समय से कार्यक्षेत्र में जो परेशानियां चल रही थी उनका समाधान भी मिलेगा। संपत्ति से संबंधित जुड़ा कोई काम फायदेमंद रहेगा, लेकिन अजनबी लोगों पर भरोसा ना करें और ध्यान रखें कि मेहनत करने पर ही भाग्य आपका सहयोग करेगा। व्यर्थ की गतिविधियों में समय व्यर्थ ना करें। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको दूसरों की जो है अजनबी बातों पर ध्यान नहीं देना है, ये बात जरा ध्यान रखिएगा। व्यवसाय से संबंधित नई जानकारियां मिलेगी जो कि फायदेमंद साबित होगी। बीमा और इनकम टैक्स के क्षेत्र से कार्यरत लोगों को अपनी इस समय बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। सरकारी सेवारत लोग इस समय अपने काम पर ही ध्यान रखें और इस समय कागजात या फाइलों को संभाल कर रखें, क्योंकि किसी प्रकार की जांच पड़ताल इंक्वायरी होने की संभावनाएं बन रही है। संतान के कैरियर व शिक्षा से संबंधित किसी चिंता का समाधान मिलने से राहत मिलेगी तथा आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ही ध्यान दे पाएंगे। आपका अपने कर्म के प्रति अधिक विश्वास अपने कर्म रखना होगा तो ये आपके हितकारी रहेगा, और अपनी भावुकता और भय जैसी कमजोरी पर विजय हासिल करना जरूरी है। यह स्वभाव आपके स्वास्थ्य व कार्यों में हानि का कारण भी बन सकता है,
अध्ययन विद्यार्थी जो है आलस्य की वजह से अपना नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए आपको आलस नहीं दिखाना है। व्यापार में विस्तार संबंधित योजनाएं बनेगी और जल्द ही उन्हें क्रियान्वयन करने का भी जो है अवसर मिलेगा। इस समय कहीं भी निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। अगर आप निवेश करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं तो जरा आपको रुकना होगा और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद निवेश करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने संपर्क क्षेत्रों को और अधिक विस्तृत करें तो ये आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। कुछ नई जानकारियां तथा उपलब्धियां हासिल होंगी और आप तनाव मुक्त तथा ऊर्जावान महसूस करेंगे। परिवारजनों के साथ किसी मनोरंजन स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा और आपसी संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य खोना उचित नहीं है। कोई भी पुरानी समस्या अथवा वाद विवाद दोबारा उठ सकता है, परंतु आपसी वार्तालाप से समाधान भी मिल जाएंगे। और किसी भी गैर कानूनी में कार्य में दिलचस्पी ना लें तो अभी आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस में कुछ परेशानियां आएंगी, हो सकता है कि वो दिक्कत आने पर आपको अपने वसूलों और सिद्धांतों से कुछ समझौता करना पड़े। स्टाफ की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें, हर काम में योगदान रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगी, कोई रुका हुआ जो है आय का स्रोत पुनः शुरू होने से राहत मिलेगी। जरूरतमंद तथा बुजुर्गों की सेवा व देखभाल करने में भी आपकी विशेष रुचि है और विवाह योग्य सदस्य के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। और इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करना थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, कष्टदायक हो सकता है, इसलिए अभी आप यात्रा स्थगित ही रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। घर में आए किसी निकट संबंधी के साथ वाद विवाद में भी उलझना अभी आपके ठीक नहीं है। लोग आपको तरह तरह की बातें कहेंगे, उलझाने में लगे रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बनाकर रखना होगा, इससे माहौल नकारात्मक हो जाएगा। साथ ही साथ अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा तो आपके लिए बेहतर है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो व्यवसाय में कोई भी रुकी हुई पेमेंट और उचित ऑर्डर मिलने जैसी उत्तम परिस्थितियां बनी हुई है। अपनी योग्यताओं और किसी के समक्ष उजागर ना करें, अन्यथा कोई इसका गलत फायदा उठा सकता है। ऑफिशियल फाइलें व्यवस्थित रखें तो अभी आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय परिवार के साथ मनोरंजक समय व्यतीत होगा, परंतु किसी विपरीत लिंगी मित्र की वजह से संकट में पड़ सकती हैं दूसरों के मामलों में, इसलिए आपको अभी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है। दूसरों की ही गलती के कारण आपको जो है खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा और थोड़ा सावधान और सतर्क रहिएगा, क्योंकि परेशानियां आपके ऊपर हावी हो सकता है और आपको परेशान कर सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहें, सतर्क रहें तो ये समय आपके लिए